नाजरीन, इस वक्त मेरे सामने है मालेगांव ग्रीन ड्राइव के फाउंडर जनाब आसिफ अब्दुल्ला साहब। उनसे हम चंद सवालात पूछने वाले हैं। हम चंद सवालात लेकर उनकी जनाब में हाजिर हुए हैं। आइए एक बात दिगरे सवालात पूछते हैं। जी जनाब, पूछना ये है, आवाम के जहनों में सवाल ये है कि हुकूमत ने जो लॉकडाउन नाफिस किया है मालेगांव में, और खुसूसन मालेगांव का तस्करा इसलिए कि बहुत गुंजान आबादी वाला शहर है और यहाँ गरीबों की तादाद तकरीबन 70% से ज़्यादा है, तो ऐसे वक्त में मुनासिब इंतज़ाम किए बिना लॉकडाउन नाफिस करना क्या सही फ़ैसला था हुकूमत का? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, चीन से जो वायरस निकला और पूरी दुनिया में उसने तबाही मचाई, तो जिस किस्म की ख़बरें हमें यहाँ पर मौसूल हो रही थी हिंदुस्तान में, तो अहादीस के मुताबिक भी वबाई अमराज के वक्त में जिन उसूलों को हमें सिखाया गया है उसके मुताबिक हुकूमत ने जो फ़ैसला किया वो आयन दुरुस्त था। कोई भी ज़िम्मेदार सरबरा अगर मुल्क का होता तो यही फ़ैसला करता जो वज़ीर आज़म मोदी जी ने किया, और जो लॉकडाउन का फ़ैसला किया वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन जहाँ तक के बात है मज़दूरों के शहर की, और ये हर जगह इस बात की तकलीफ़ रही कि मेट्रो सिटीज़ से कई मज़दूर लाखों की तादाद में अपने अपने वतन पैदल ही सही पैदल निकल गए ताकि वो अपने वतन को पहुंच सके, क्योंकि उनकी वहाँ कोई मदद करने वाला नहीं था, वो बेयार वो मददगार थे और उनको मजबूरन निकल कर अपने वतन की तरफ पैदल ही पहुँचना पड़ा, जाना पड़ा। और अभी भी कई लोग जो हैं लॉकडाउन के बाद से फंसे पड़े हुए हैं, तो हुकूमत को उनकी तकालीफ को देखते हुए कुछ राहत रसानी का सामान जो है वो मुहैया करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं और अभी भी लोग फंसे हुए हैं। और आज रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा है और लोगों के पास जो है तो खाने पीने की अशिया जो बिल्कुल मौजूद नहीं रह गई हैं, और हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि कोई भी गरीब भूखा ना मरे, और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी कि कोई भी गरीब जो है तो उसको भूखा नहीं रहना चाहिए। तो जो ज़िम्मेदारान हैं इंतज़ामिया हैं उन तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं इस बात को कि वो काफ़ी तादाद में काफ़ी मकदार में लोगों को राहत रसानी का इसके सामान पहुँचाए, रिलीफ पहुँचाए, ताकि कोई भी गरीब जो है जो मज़दूर है वो भूखा ना रहे। हमारा दूसरा सवाल ये है कि शहर में लॉकडाउन के दौरान अमवात की शरह जो बढ़ी है उससे आवाम में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है, काफ़ी फिक्रमंद है आवाम, और जिन हॉस्पिटल्स में उनको बुलाया जा रहा है वहाँ आवाम जाना नहीं चाह रही है, तो इस सिलसिले में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना जो है तो इतना ज़्यादा मौलिक नहीं है, उसकी वजह ये है कि जिन लोगों को पहले दौर में मालेगांव में दाखिल किया गया, ज़ेर अस्पताल किया अस्पताल में दाखिल किया गया, जो लोग ज़ेर इलाज हैं तो उनमें अक्सर जो हैं तो वो सेहतयाब हो चुके हैं और उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो काफ़ी मुस्तहकम है, और उसकी वजह से वो लोग जो हैं सेहतयाब हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनमें से कई पेशेंट्स को डिस्चार्ज भी मिल चुका है और उन्हें होम क्वारंटाइन का मशवरा दिया गया है। लेकिन यही कोरोना वायरस उन लोगों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहा है जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, अस्थमेटिक अस्थमा है जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, और जिनकी कोई ना कोई हिस्ट्री है टीबी है या किसी न कैंसर है या किसी भी किस्म की कोई हिस्ट्री है किसी पेशेंट को, तो उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहा है। बाकी जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनमें से तो हिंदुस्तान में कई जगहों पर देखा गया है कि उनमें अलामत तक ज़ाहिर नहीं हुई, तो वो एक हर्ड इम्यूनिटी का जो लेवल है अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव कर चुके हैं, और अनकरीब जो है तो कोरोना जो है तो उससे लॉकडाउन के बाद भी हमें इसका सामना करते रहना पड़ेगा, क्योंकि WHO के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके बोलने के मुताबिक कोरोना जो है वो इंसानी ज़िंदगियों का पीछा लंबे अरसे तक करता रहेगा, इसलिए हमें इसके लिए लंबे अरसे तक तैयार रहना होगा, और ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। और जहाँ तक के मालेगांव शहर में, मालेगांव जो अभी इस वक्त हिंदुस्तान का जिस तरह चीन में वुहान रहा उस तरह हिंदुस्तान का वुहान बन चुका है, क्योंकि बहुत कम आबादी वाले शहर में 5 लाख की करीब आबादी है और यहाँ पर 100 से ज़ायद पॉजिटिव
पेशेंट्स हैं और ज़्यादा अमवात भी हो रही हैं। तो देखने में ये आ रहा है यहाँ पर तजुर्बात की बुनियाद पर और मुशाहदात की बुनियाद पर मेरे पास पेशेंट्स के जिन जो लोग अस्पताल में थे ज़ेर इलाज उन्होंने फ़ोन किए ताल्लुकात की बिना पर और उन्होंने मदद चाही, और उसके बावजूद भी ये देखने में आया कि उनमें से कई अफराद जो है वो इंतकाल कर गए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बेबसी का ये आलम रहा कि हम उनकी मदद तक नहीं कर सके। उसकी वजूहत में से ये भी रहा कि हम मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं इस और ताल्लुकात की बुनियाद पर उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ हमको फ़ोन किया अस्पताल से, और एक पेशेंट है हमारे दोस्त तो उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। उन्होंने फ़ोन पर मुझको ये बताया कि यार मैं बहुत तड़प रहा हूँ, मेरी सांस फंस रही है और मुझको किसी भी तरीके से दूसरे अस्पताल में दाखिल करो। मैंने उनसे पूछा कि यार आप अभी इस वक्त कहाँ हो, तो उन्होंने बताया कि मैं इस वक्त अभी सिविल अस्पताल में। उन्होंने कहा कि आप अभी बात नहीं कर सक रहे हैं तो आप अपने बेटे को फ़ोन दीजिए। उनके बेटे से मेरी बातचीत हुई, उनके बेटे ने मुझको बताया कि यार उनको 19 तारीख को अस्पताल में दाखिल किया गया क्योंकि उनका शुगर लेवल जो है वो बढ़ गया था। वो डायबिटिक पेशेंट थे, मैं जानता हूँ उनको। उनको इससे कबल जो है वो पैरालिसिस का हमला भी हुआ था उनके ऊपर, पैरालिसिस अटैक आया था। और उसके बाद जब अस्पताल में उनको दूसरे अस्पताल वाले उनको इसलिए नहीं ले रहे थे कि सिविल हमले ने उनको कोविड सस्पेक्ट बता दिया था। जब उन्होंने मुझको फ़ोन किया वो 21 तारीख थी, 3 दिन हो चुके थे और उनकी कोरोना की रिपोर्ट नहीं आई थी। जो उन्होंने टेस्ट रिपोर्ट उन्होंने करवाई थी तो टेस्ट रिपोर्ट जब तक के आई नहीं थी, लेकिन कोविड सस्पेक्ट बोलकर उनके ऊपर वो कोरोना का जो मुजवज़ा इलाज है वो उनके ऊपर अप्लाई कर दिया गया, और उसकी वजह से उनकी हालत और बिगड़ती चली गई। क्योंकि वो कोरोना के पेशेंट थे या नहीं थे वो आखिर उनके मौत तक के ये बात सामने नहीं आ सकी, क्योंकि रिपोर्ट इतनी लेट आ रही है, 3-4 दिन उसमें लग जा रहे हैं। और जो पेशेंट है, जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जिनकी हिस्ट्री है पहले से, तो उनको बर वक्त जो तिब्बी मदद किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास मिलनी चाहिए उनको, या जहां उनका पहले से इलाज जारी था वहां से उनको मिलना चाहिए, तो वो उनको बर वक्त मिल नहीं सकी। और सिविल अस्पताल में उनको कोविड सस्पेक्ट बोल करके उनके ऊपर वो इलाज अप्लाई किया गया जिसकी शायद उन्हें ज़रूरत नहीं थी, और उसकी वजह से उनको ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ गई, ऐसा उनके बेटे ने भी बताया। और जब मैंने वहाँ पर जो जिम्मेदार डॉक्टर है उनसे फ़ोन पर बात की और उनसे पूछा कि क्या आपने इनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी, तो नाज़रीन आप ये जान लें कि ब्राज़ील में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है तो उसको बैन कर दिया गया है। और जो तिब्बी माहिरीन हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं और उनकी आरा सामने आ रही हैं जिसके मुताबिक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो मलेरिया में इस्तेमाल की जाने वाली दवा है वो तमाम मरीज़ों को सूटेबल नहीं होती है, और ख़ास तौर पे जिन पेशेंट्स की हिस्ट्री है, जो डायबिटिक पेशेंट्स है और अस्थमा के पेशेंट हैं, टीबी के पेशेंट्स हैं, और जो कई अरसे से लंबे अरसे से बीमार चल रहे हैं, तो उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है तो वो दवा बिल्कुल सूटेबल नहीं होती है, और उसकी वजह से उनका जो इम्यून सिस्टम है वो भी असरअंदाज हो जाता है, और उनका जो सेचुरेशन लेवल है वो भी बिगड़ जाता है, पेशेंट स्टेबल नहीं रह पाता, और उसकी वजह से उनको सांस में तकलीफ़ शुरू हो जाती है बड़े ज़्यादा लेवल पर, और उसकी वजह से उनकी मौत वाकई हो जा रही है। ऐसी रिपोर्ट जो हैं तो दुनिया भर से सामने आ रही हैं। तो इस बात के चलते मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यार जो इलाज इख्तियार किया जा रहा है, कोरोना से पेशेंट नहीं मर रहे हैं ज़्यादा, कोरोना से तो पेशेंट अच्छे हो जा रहे हैं, लेकिन तिब्बी अमला जो बेपरवाही कर रहा है और डर के मारे पेशेंट्स को पानी तक नहीं पिलाया जा रहा है, उनको गैस के सिलेंडर जो कि गैस जो वेंटिलेटर के ऊपर जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी नहीं लगाया जा रहा है, उनको बर वक्त उनको तिब्बी मदद सही तरीके से नहीं पहुंचाई जा रही है, अस्पताल भी फुल हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं है, ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है, खुद डॉक्टर्स ने कहा है, और टोटल मेस हो चुका है सिस्टम। और ऐसे में जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बंद कर दिए जाने की वजह से वो लोग और ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला हैं, और उनको कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो हैं तो वो किसी भी पेशेंट को ले नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार पहले आप कोविड की टेस्ट करवा लीजिए, और टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद, टेस्ट रिपोर्ट आने में 3-4 दिनों का अरसा लग जा रहा है लंबा, और इस बीच में वो पेशेंट क्रिटिकल हो जा रहा है। अगर उसको मजबूरी में सिविल हॉस्पिटल में या जीवन हॉस्पिटल में अगर दाखिल किया जा रहा है तो वहाँ पर तिब्बी सहूलियात नहीं है और पेशेंट्स ज़्यादा हैं और डॉक्टर्स की तादाद और स्टाफ की तादाद काफ़ी कम है, जिसकी वजह से उस पेशेंट्स के ऊपर खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी जा रही है और जिसकी वजह से उसकी मौत वाकई हो जा रही है। और सबसे अहम बात यह है कि पेशेंट की हिस्ट्री लिए बगैर, जिस तरह किसी ऑपरेशन को किया जाता है और ऑपरेशन करने से पहले ये देखा जाता है कि अगर पेशेंट
कितना फिट है, उसका जो फिटनेस टेस्ट किया जाता है वैसा इस मामले में नहीं किया जा रहा है। अगर पेशेंट की कोई हिस्ट्री है, वो कमज़ोर है पहले से और उसका कोई इलाज जारी है, तो उसकी तहकीक किए बगैर उसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, HIV की ड्रग्स और जो भी WHO ने प्रिस्क्राइब किया है, ऊपर से इनको ऑर्डर्स हैं, ये बताते हैं मजबूरी कि हमको ऊपर से ये सब प्रिस्क्रिप्शन है हम वैसा दे रहे हैं, जो कि हर पेशेंट के लिए सुटेबल नहीं है और इसकी वजह से पेशेंट्स क्रिटिकल हो जा रहे हैं, साफ तौर पे ये बात हमको देखने में आई है। और अब हम कुछ अमवात जो हुई हैं शहर में, तो उनके घर वालों से हम इंशाल्लाह मिलेंगे और आपको तमाम हकायक जो उन्होंने उनकी नज़र से उन्होंने देखे हैं और जो कुछ हमने सुने हैं उनसे, हम आपके सामने वो पेश करेंगे, ताकि आप ताकि इंतज़ामिया इन बातों का नोटिस ले और इसके मुताबिक इसको किस तरीके से जल्द हल किया जा सके, इन मसाइल को इंतज़ामिया इस पर फौरी से पेशतर इकदाम करें। शुक्रिया।